बिसमिल्लर असल मैं हूँ इमरान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए आई ओ ऑडियो बुक्स पेश खदमत है इस किताब का अगला हिस्सा तो चलिए शुरू करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुमने क्या बिगाड़ लिया था अबू सुलेमान खालिद की ज़ात से एक सवाल उठा उसने ख्यालों ही ख़्यालों में सर हिला दिया और दिल ही दिल में कहा कुछ नहीं बेशक मोहम्मद वसल्लम का जिस्म ताकतवर है लेकिन रिकाना बिन अब्द यजीद जैसे पहलवान को उठाकर पटखने के लिए सिर्फ जिस्मानी ताकत काफी नहीं रिकाना बिन अब्द यजीद रसूल अकरम का चचा था जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया था वो अरब का माना हुआ पहलवान था नामी गिरामी पहलवान आए जिन्हें उसने एक ही दाव में पटक कर उठने के काबिल न छोड़ा वो वैश्य इंसान था सिर्फ लड़ना मारना जानता था खालिद को वो वक्त याद आने लगा जब मुसलमानों को दिक करने वाले तीन चार आदमियों ने एक दिन रिकाना पहलवान को खूब खिलाया पिलाया और उसे कहा था कि तुम्हारा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के हाथ नहीं आता न अपनी तबलीग से बाज आता है न किसी से डरता है और लोग उसकी बातों के जादू में आते चले जा रहे हैं क्या तुम उसे सीधा नहीं कर सकते क्या तुम मेरे हाथों क्या तुम तो मेरे हाथों उसकी हड्डियां तोड़वाना चाहते हो रिकाना ने अपने चेहरे पर मस्त भैंसे का तासुर पैदा करके तकबर के लहजे में कहा था लाओ उसे मेरे मुकाबले में लेकिन वो मेरा नाम सुनकर मक्के से भाग जाएगा नहीं नहीं मैं उसके साथ लड़ना अपनी तोहन समझता हूँ उसने उकसाने वाले आदमियों की बात ना मानी वो किसी पहलवान को अपने बराबर समझता ही नहीं था मुसलमानों के दुश्मन खामोश हो गए लेकिन सोचते रहे खुलकर मैदान में नहीं आते थे वो खुश थे कि अहले कुरैश आपस में बट कर एक दूसरे के दुश्मन हो गए उन्हें पता चल गया कि कुरैश के कुछ आदमियों ने रिकाना पहलवान को उकसाया है कि वो रसूलुल्लाह को कुश्ती के लिए ललकारे लेकिन वो नहीं मान रहा एक रोज़ रिकाना रात के वक्त एक गली से गुजर रहा था कि उसके करीब से एक बड़ी हसीन और जवान लड़की गुजरी चांदी रात में लड़की ने रिकाना को पहचान लिया और मुस्कुराई रिकाना वैशी था वो रुक गया और लड़की का रास्ता रोक लिया क्या तुम जानती हो कि औरत मर्द की तरफ देख कर मुस्कुराती है तो इसका मतलब क्या होता है रिकाना पहलवान ने पूछा कौन हो तुम इसका मतलब यह होता है कि औरत इस मर्द चाहती है जवान लड़की ने जवाब दिया मैं सब्त बिनते अरमन हूँ ओ अरमन यहूदी की बेटी रिकाना ने कहा और लड़की के कंधों पर हाथ रख कर उसे अपने क़रीब करके बोला क्या मेरा जिसम तुझे इतना अच्छा लगता है और क्या मेरी ताकत तुम्हारी ताकत ने मुझे मायूस कर दिया है सब्त ने पीछे हटते हुए कहा तुम अपने भतीजे मोहम्मद वसल्लम से डरते हो कौन कहता है रिकाना ने गरज कर कहा सब कहते हैं सब्त ने कहा पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिराओ मैं अपना जिस्म तुम्हें इनाम में दूंगी अल्लाह के बेटों और बेटियों की कसम तेरी बात पूरी करके तेरे सामने आऊंगा रिकाना ने कहा लेकिन तूने गलत सुना है कि मैं मोहम्मद से डरता हूँ बात यह है कि मैं अपने से कमज़ोर के साथ लड़ना अपनी तोीन समझता हूँ लेकिन तेरी बात पूरी करूंगा मशहूर इब्ने शाम ने लिखा है कि रसूल करीम ने खुद रिकाना पहलवान को कुश्ती के लिए ललकारा था लेकिन दूसरे मौरखन असीर ने जो शहादत पेश की है वो सही है कि रिकाना ने रसूल खुदा को कुश्ती के लिए ललकारा और उसने कहा था मेरे भाई के बेटे तुम बड़े दिल और बड़ी जरूरत वाले आदमी हो मैं ये भी जानता हूँ कि तुम झूठ बोलने से नफरत करते हो लेकिन मर्द की जरूरत और सदाकत का पता अखाड़े में चलता है आओ मेरे मुकाबले में अखाड़े में उतरो अगर मुझे गिरा लो तो मैं तुम्हें अल्लाह का भेजा हुआ नबी मान लूँगा अल्लाह की कसम तुम्हारा मजहब कबूल कर लूंगा लेकिन यह एक भतीजे और चचा की कुश्ती नहीं होगी रसूल खुदा ने रिकाना की ललकार के जवाब में कहा यह एक बुतप्रस्त और सच्चे दीन के एक पैगम्बर की लड़ाई होगी तू हार गया तो अपना वादा ना भूल जाना मक्का में यह ख़बर सहरा की आंधी की तरह फैल गई कि रिकाना पहलवान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुश्ती होगी और जो हार जाएगा वो जीतने वाले का मजहब कबूल कर लेगा कुरैश का बच्चा बच्चा मर्दों और यहूदी हजूम करके आ गए मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी वो तलवारों और बच्चियों से मुसलह होकर आए क्योंकि उन्हें ख़तरा महसूस हो रहा था कि कुरैश कुश्ती को बहाना बनाकर रसूल खुदा को कत्ल कर देंगे अरब का सबसे ज्यादा ताकतवर और वैशी पहलवान रिकाना अब्द यजीद रसूल करीम के मुकाबले में उतरा उसने रसूल्लाह पर तन्जिया निगाह डाली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नौजब लफभ थी कसी आप मुकम्मल खामोशी और इतमान से रिकाना की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे कि वो बेखबरी में कोई दाव ना खेल जाए रिकाना आपके इर्द गिर्द यूं घूमा जैसे शेर अपने शिकार के इर्द गिर्द घूम गया हो और अब उसे खा जाएगा हजूम रसूल अक्रम का मजाक उड़ा रहा था मुसलमान खामोश थे वो दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहे थे उन्होंने अपनी तलवारों के दस्तों पर हाथ रखे हुए थे फिर ना जाने क्या हुआ रसूल अक्रम ने क्या दाव खेला इबन असीर लिखता है

रसूल्ला वसलम ने ललकार कर कहा अपना वादा पूरा कर और यही ऐलान कर कि आज से तू मुसलमान है लखाना ने कबूल इस्लाम से साफ इनकार कर दिया ये ताकत जिसमानी नहीं थी खालिद ने नक्सस्तान में लेटे लेटे अपने आप से कहा लखाना को यूं तीन बार पटखना तो दूर की बात है उसे कोई पिछाड़ भी नहीं सका था रसूल अक्रम सुर खालिद के जहन में निखर आया वो आपको अच्छी तरह जानता था लेकिन वो अब महसूस कर रहा था जैसे वो मोहम्मद कोई और थे जिन्हें वो बचपन से जानता था उसके बाद आपने जो रूप इख्तियार किया था उसमें खालिद आपको नहीं पहचानता था नबूवत के दावे के बाद ख़ालिद की आपके साथ बोलचाल बंद हो गई थी वो आपके साथ दो दो करना चाहता था लेकिन वो रिकाना की तरह पहलवान नहीं था वो मैदान जंग में लड़ने वाला और लड़ने वालों की क्यादत करने वाला जंगजू था लेकिन उस वक्त मुसलमान फ़ौज की सूरत में लड़ने के काबिल नहीं थे जब मुसलमान फ़ौज की सूरत में लड़ने के काबिल हुए और कुरैश के साथ उनका पहला मार्का हुआ उस वक्त खालिद के लिए ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि वो इस मार्के में शामिल नहीं हो सका था इसका उसे बहुत अफसोस था ये मार्का बदर का था जिसमें तीन सौ तेरह मुजाहिदीन इस्लाम ने एक हज़ार कुरश को शिकस्त दी थी खालिद दांत पीसता रह गया था लेकिन उस रोज़ जब वो एक नखलस्तान में लेटा हुआ था उसे ख्याल आया के तीन सौ तेरह ने एक हज़ार को किस तरह शिकस्त दे दी थी उसने शिकस्त खाकर आने वाले कुरैश से पूछा था कि मुसलमानों में वो कौन सी खूबी थी जिसने उन्हें फतह याब किया था खालिद उठ बैठा और उंगली से रेत पर बदर के मैदान के खदोखाल बनाकर कुरैश और मुसलमानों की पोजिशने और मार्के के दौरान दोनों की चालों की लकीरें बनाने लगा बाप ने उसे फन हरबो ज़रब का माहिर बना दिया था बचपन में उसे घुड़सवारी सिखाई लड़कपन में उसे अक्खड़ और मूजोर घोड़ों को काबू में लाने के काबिल बनाया नौजवानी में वो शाहवार बन चुका था शतर सवारी में भी वो माहिर था उसका बाप ही उसका उस्ताद था उसने खालिद को सिर्फ सिपाही नहीं बल्कि सालार बनाया था खालिद को जंगो जदल इतनी अच्छी लगी कि वो लड़ने और लड़ाने के तरीकों पर गौर करने लगा और जवानी में फौज की क्यादत के काबिल हो गया था उसे बदर की लड़ाई में शामिल ना हो सकने का अफसोस था और वह इंतकाम के तरीके सोचता रहता था लेकिन अब उसकी सोचों का धारा किसी और तरफ चल पड़ा था मक्का से रवानगी से कुछ दिन पहले से वो इस सोच में खो गया था कि रसूल अक्रम ने रिकारा पहलवान को तीन बार पटखा था और बदर में आपने महज हस्तीीन सौ तेरह मुजाहिदीन से एक हज़ार को शिकस्त दी थी यह कोई और ही कुवत थी लेकिन बदर के मार्के के बाद उसके दिल में मुसलमानों के खिलाफ इंतकाम की आग सुलग रही थी मुसलमान मार बदर में क्रैश के बहुत से आदमियों को कैदी बनाकर ले गए थे कुरैश के सरदारों के लिए तो यह सदमा था ही इसका बहुत बुरा असर खालिद ने कबूल किया था उसे याद था कि जब बदर का मार्का लड़ा जा रहा था तो मक्का में कोई ख़बर नहीं पहुंच रही थी कि मक्का के मार्के का अंजाम क्या हुआ मक्का के लोग बदर की सिम देखते रहते थे कि उधर से कोई सवार दौड़ा आएगा और फतह की खबर सुनाएगा आखिर एक रोज़ शतर सवार नज़र आया लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े सवार ने अरब के रिवाज के मुताबिक अपना कुर्ता फाड़ दिया था और वो रोता आ रहा था बुरी खबर लाने वाले कासिद ऐसे ही किया करते थे वो जब लोगों के दरमियान पहुंचा तो उसने रोते हुए बताया कि अहल कुरैश को बहुत बुरी शिकस्त हुई है जिनके अजीज़ रिश्तेदार लड़ने गए थे वो एक दूसरे से आगे बढ़ बढ़ कर उनके मुतल पूछते थे कि वो जिंदा हैं जख़्मी हैं या मारे गए हैं शिकस्त खोर्दा कुरैश पीछे आ रहे थे मारे जाने वालों में सत्रह अफराद खालिद के कबीले बनू मखजूम के थे और उन सब के साथ खालिद का खून का बड़ा करीबी रिश्ता था अबू ज़ैल भी मारा गया था खालिद का भाई जिसका नाम वलीद था जंगी कैदी हो गया था अबू सुफियान जो क्रैश के सरदारों का सरदार था और उसकी बीवी होंद भी मौजूद थे कुछ मेरे बाप और मेरे चचा के बता ए कासिद होंद ने पूछा तुम्हारा बाप उतबा अली और हमजा के हाथों मारा गया है कासिद ने कहा और तुम्हारे चचा शैबा को अकेले हमजा ने कत्ल किया है और तुम्हारा बेटा हंजला अली रजी अल्लाह रज़िया तनों के हाथों मारा गया है अबू सफियान की बीवी हो ने पहले तो अली रजी अल्लाह रजील तनों और हमज़ा रजी अल्लाह अल्ल तनों को बुलंद आवाज से गालियाँ दी नौज बिला फिर बोली अल्लाह की कसम मैं अपने बाप अपने चचा और अपने बेटे के खून का बदला लूंगी अबू सुफियान पर ख़ामोशी तारी हो गई खालिद का ख़ून खोल रहा था कुरैश के सत्तर आदमी मारे गए और जो जंगी कैदी हुए उनकी तादाद भी इतनी ही थी खालिद उठा दरी झाड़ कर लपेटी और घोड़े की जीन के साथ बांध कर सवार हुआ और मदीना की सिमत चल पड़ा उसने जहन को यादों से खाली कर देना चाहा लेकिन उसका जहन मदीना पहुंच जाता जहाँ रसूल्ला सल्ला वसल्लम थे और जो तबलीग इस्लाम का मरकज़ बन गया था आपका ख्याल आते ही उसका जहन पीछे चला जाता और उसे वो मंजर दिखाई देता जिनके खालिक आ हजरत सल्ला वसम थे उसके जहन में उनके अल्फाज याद आए जो उसने अपने खामिद अबू सुफियान से कहे थे मैं अपने बाप और चचा को भूल सकती हूँ उनने कहा था क्या मैं अपने लफ जिगर हंजला को भी भूल जाऊँ माँ अपने बेटे को कैसे भूल सकती है अल्लाह की कसम मैं मोहम्मद सल्ला वसलम को अपने बेटे का खून माफ़ नहीं करूँगी ये लड़ाई मोहम्मद ने कराई है मैं हमज़ा और अली को नहीं बख्शूँगी वो मेरे बाप मेरे चचा और मेरे बेटे के कातिल हैं मेरे खून को सिर्फ मेरे बेटे का कत्ल गरमा रहा है अबू सुफियान ने कहा था मुझ पर अपने बेटे के खून का इंतकाम फर्ज हो गया है मैं सबसे पहले यह काम करूंगा कि मोहम्मद के खिलाफ जबरदस्त फौज तैयार करके उसे आइंदा लड़ने के काबिल नहीं छोड़ूंगा मशहूर मौरख और वक़ाए निकार वाकदी लिखता है कि अगले ही रोज़ अबू सुफियान ने तमाम सरदारों को बुलाया इनमें ज्यादा तादाद उन सरदारों की थी जो किसी न किसी वजह से जंग बदर में शरीक नहीं हो सके थे और उनमें से हर एक का कोई ना कोई अजीज़ इस जंग में मारा गया था सब इंतकाम का इरादा लेकर इकट्ठे हुए क्या मुझे ज्यादा बातें करने की ज़रूरत है अबू सुफियान ने कहा मेरा अपना जवान बेटा मारा गया है अगर मैं इंतकाम नहीं लेता तो मुझे जीने का कोई हक नहीं सब एक ही बार बोलने लगे वो इस पर मुतफ़ थे कि मुसलमानों से बदर की शिकस्त का इंतकाम लिया जाए लेकिन आम में से अब कोई भी अपने घर में ना बैठा रहे खालिद ने कहा बदर में हम सिर्फ इसलिए ज़िल्लत में गिरे कि सरदार घरों में बैठे रहे और उन लोगों को लड़ने के लिए भेज दिया जो कुरैश की अजमत को नहीं समझते थे क्या मेरे बाप को भी कुरैश की अज़मत का ख्याल न था खालिद के चचाजाद भाई इक्रमा ने जो अबू जैल का बेटा था भरम होते हुए कहा क्या सफवान बिन उमैया के बाप को भी कुरैश की अजमत का ख्याल न था तुम कहाँ थे अलवलीद के बेटे हम यहाँ एक दूसरे से लड़ने के लिए इकट्ठे नहीं हुए अबू सुफिया ने कहा खालिद तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी जिससे कोई अपनी बेइज्जती महसूस करे हम में से कोई भी इज्जत वाला नहीं रहा खालिद ने कहा हम सब उस वक्त तक बेइज्जत रहेंगे जब तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके चेलों को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर देंगे मुझे अपने घोड़े के सुमों की कसम मेरे खून की गर्मी ने मेरी आंखें जला दी हैं इन आंखों को मुसलमानों का खून ठंडा कर सकता है मैं फिर कहूँगा कि अब सरदार आगे होंगे और मैं जानता हूँ कि मैं मैदान जंग में कहाँ होंगा लेकिन जंग में हमारा जो सरदार होगा मैं उसके हुक्म का पाबंद रहूँगा और अगर मैं समझूंगा कि सरदार ने मुझे ऐसा हुक्म दिया है जो हमें नुकसान देगा तो मैं ऐसा हुक्म नहीं मानूंगा सब ने मुतफ़ा तौर पर अबू सुफियान को अपना सरदार मुकर किया इससे कुछ रोज़ पहले एहले मक् का एक काफिला फ़लस्ती से मक् वापस आया था यह तजारती काफ़िला था मक् के बाशिंदों खूस क्रैश के हर ख़ानदान ने इस तजारत में हिस्सा डाला था इस काफ़िले में कमो का बेश एक हज़ार ऊँट थे और जो माल गया था उसकी मालियत पचास हज़ार दीनार थी काफले का सरदार अबू सुफियान था जिसने पचास हजार पर पचास हजार दिनार मुनाफा कमाया था काफले की वापसी का रास्ता मदीना के करीब से गुजरता था मुसलमानों को पता चल गया उन्होंने पूरे काफले को गिरफ्तार करने का इरादा किया और एक मुकाम पर काफले को घेरे में ले लिया लेकिन वो जमीन ऐसी थी कि अबू सुफियान ने एक एक आदमी और एक एक ऊट को जमीन के ऊंचे नीचे खताल से फ़ायदा उठाते हुए घेरे से निकाल दिया था अब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में अपना ख्याल रखें और हमारे इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज़